फैमिली हाउस प्लांट डिजाइन, दो फैमिली का हाउस प्लांट डिजाइन, और उसके साथ देखिए दो यहाँ पर कार पार्किंग एरिया। सिंपल डिजाइन है, 1500 स्क्वायर फीट के अंदर इस डिजाइन को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो हम यहाँ पर इसका जो ड्राइंग है इसको हमें करना है, इसको एक हाइट पर सेटिंग। इसके लिए हमें पहले इसको हाइट पर रखना है, इसका जो डिटेल्स है फॉन्ट से हमें सेट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम उसके बाद इसका जो 7 फीट हाइट में हम रखेंगे, उसके बाद 4 फीट 6 इंच डाउन में रख के यहाँ पर हम इसका जो विंडो है इसको हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो विंडो पहले हम सेट करेंगे, तो डोर भी हम बाद में सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हाइट, तो डोर विंडो पहले हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 7 फीट हाइट, ओके। उसके बाद 7 से इसको हमें डाउन करना पड़ेगा 4 फीट, सॉरी पहले हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 4 फीट 6 इंच, और उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो विंडो है, ये जो डोर है, इसका टॉप पोजीशन यहाँ पर इसको हमें सेटल करना है। तो उसके बाद कंप्लीट कर दिया है इसको। नेक्स्ट हमें इसको करना है डिलीट रेफरेंस लाइन, उसके बाद इधर भी हमें 7 फीट हाइट तक रखना है, इधर भी 7 फीट हाइट। तो इसमें हमें विंडो और डोर का जो डिटेल्स है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम। 4 फीट 6 इंच डाउन, इसके बाद यहाँ पर हमें एक विंडो, नेक्स्ट यहाँ पर एक विंडो, दो विंडो यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके ऐसे रहेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे रखना है। तो हो गया हमारा जो विंडो पोजीशन यहाँ पर सेटिंग कंप्लीट। उसके बाद डोर, और भी डोर है यहाँ पर, बैल्कनी है दो बेडरूम के साथ, टू फैमिली हाउस प्लान डिजाइन। अगर दो टू बी एच के फ्लैट भी आपको चाहिए तो आप फ्लैट के पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिजाइन को, और इस डिजाइन वाइज घर बना के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दो फैमिली का है तो यहाँ पर देखिए ऐसे एक डिजाइन हम रखेंगे फ्रंट से। तो चलिए हम उसके बाद यहाँ पर जो है इसका हमें 2 फीट हाइट तक ऐड करना है, इसको भी हमें 2 फीट हाइट तक हाइट में रखना है। तो आपको ऐसा डिजाइन दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा इसका जो दो पार्ट है, देखिए तो इधर से हमें स्टेयर कहाँ देना है, कहाँ इसको प्रोवाइड करना है, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेयर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पर जो किचन है, दो किचन, दो टॉयलेट, 4 बेडरूम, एक ड्रॉइंग डाइनिंग रूम, ओके, 6 इंच। और इससे हमें करना है इसको सेटिंग यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर करना है सेटिंग। नेक्स्ट इसको हमें इधर से इधर लेना है 1 फीट 6 इंच, उसके बाद इधर भी हमें करना पड़ेगा सेटिंग, उसके बाद इधर करना पड़ेगा सेटिंग, ओके। तो इसको हमें करने के बाद 1 फीट 6 इंच हाइट पे रखना है, और यहाँ पर भी 2 फीट 4 इंच हाइट, तो यहाँ पर 2 फीट 4 इंच हाइट। कुछ चीज है बिल्डिंग का जो पार्ट हमें यहाँ पर सेट करना चाहिए, उसको सेट करने के बाद ही हम बाकी जो डिटेल्स है उसको हम ऐड करेंगे। फर्नीचर लेआउट प्लान हम इसके अंदर ड्रॉ किया है, तो इसके जो 3D है इसके हिसाब से हम यहाँ पर किया है, देखिए ऐसे। तो उसके उसके साथ देखिए यहाँ पर 2 बेडरूम, टॉयलेट, किचन, डाइनिंग, ड्राइंग एरिया यहाँ पर हमने ऐसे डिजाइन किया है। उसके बाद इधर भी हमने सेम किया है, लेफ्ट साइड राइट साइड में दो फ्लैट टाइप का है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 बेडरूम दो फ्लैट में, आप इधर से एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड में फ्लैट 1 फ्लैट 2, तो 2 किचन 2 टॉयलेट। चलिए हम इसके अंदर स्टेयर ऐड करते हैं, इस ये जो जगह है इधर स्टेयर आपको मिल जाएगा। फ्रंट साइड का जो स्टेयर है उसको हमने ड्राइंग के अंदर
सेट कर दिया ठीक है, ऐसे जाएगा अंदर ऐसे। ओके तो मेन जो यहाँ पर स्टेयर है सेंटर से रहेगा, इसके नीचे से आपको डोर दिखाई देगा, उसके बाद दो साइड से दो डोर, दो यहाँ पर फ्लैट डिजाइन है। चलिए हम डिजाइन का जो डिटेल से इसका जो मेजरमेंट है उसको आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिजाइन हमने स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा किचन, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रहेगा इसका बाथ एंड लैट्रिन, यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, ओके नेक्स्ट यहाँ पर बेडरूम, नेक्स्ट यहाँ पर DRAWNG ड्राइंग कम डाइनिंग, ओके यहाँ पर रहेगा LOBY लॉबी, POR पोर्च एरिया, दो कार पार्किंग तो हमने ऐड किया है, यहाँ पर बारंदा। ओके तो यहाँ पर जो पार्ट है इसको हमें करना है इधर से इधर तक लेना है ऐसे। तो इसका जो टोटल स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। तो हम डिज़ाइन के अंदर इसका जो मेजरमेंट है इसको हमें अभी ऐड करेंगे, 11 फीट बाई 8 फीट, यहाँ पर 14 फीट 9 बाई 17 फीट 5, और यहाँ पर देखिए 11 फीट। सिंपल डिज़ाइन है 5 फीट बाई 9 फीट, यहाँ पर टॉयलेट बाथ, यहाँ पर बेडरूम देखिए 13 बाई 11, यहाँ पर 3 फीट 7 इंच वाइड बरामदा, यहाँ पर 13 बाई 11 फीट, तो ऐसा रहेगा डिज़ाइन यहाँ पर। ओके तो इसका जो मेजरमेंट है इसको हमें शेयर करना है, जो राइट साइड है दो फ्लैट जो डिज़ाइन है सेम ही रहेगा, यहाँ पर कोई हमने कुछ चेंज नहीं किया है। अगर दो भाई का डिज़ाइन है, दो फैमिली का है, सेम ही डिज़ाइन मिलेगा, सेम ही स्क्वायर फीट मिलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 फीट 4 इंच, तो यहाँ पर आप ऐसे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी कुछ मॉडिफाई करना है तो आप इस टाइप का डिज़ाइन को चेंज करके घर बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिज़ाइन में देखिए 3 फीट 8 इंच का गैप रहेगा। तो इस डिज़ाइन का जो टोटल यहाँ पर इस आउटसाइड जो लेंथ है 53 फीट 6 इंच, यहाँ पर देखिए 31 फीट 8 इंच, इसमें से थोड़ा सा ला इधर आ जाएगा। तो ऐसे डिज़ाइन के जो डिटेल्स है हम आपके साथ शेयर किया है, और इसका जो कॉलम है हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉलम हम ऐड करेंगे, तो ऐसे हम कॉलम ऐड करते रहेंगे यहाँ पर, सॉरी इधर इधर कॉलम जो पार्ट है हम पहले फर्स्ट पार्ट जहाँ पर रहेगा इधर हम कॉलम ऐड करेंगे, तो उसके बाद सेंटर में कॉलम रहेगा। तो हम इस कॉलम को ही इधर से आप देखिए एक पार्ट है इधर का, सेम पार्ट इधर ही जाएगा, तो यहाँ पर दो कॉलम हमें नहीं लगेगा, इधर से हम कॉलम इधर से इसको ले लेंगे, इधर से लेंगे, उसके बाद इधर से इसको हमें करना है, तो इसको हमें ऑर्थो को ऑन करना है, उसके बाद ऐड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, सॉरी इधर और एक कॉलम आएगा, इस कॉलम को हम इधर से ऐड कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 नंबर्स कॉलम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इस डिज़ाइन के अंदर। देखिए यहाँ पर फाइनल जो ड्राइंग है हमने ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर दिखाया है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको इस टाइप का जो 3D है हमने यहाँ पर ऐड किया है, इस टाइप का 3D आपको दिखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल डिज़ाइन के साथ ऐसे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो डिज़ाइन 3D प्लानिंग पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।